राम राम जी, राम राम। छोटा भीम, राम राम। राम राम सभी को। देखिए, एसआई का पेपर आ गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जय भीम। मैं आपको बता रहा हूँ जो आंसर की है आपको, एक तो रीजनिंग की और एक कंप्यूटर की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कंप्यूटर गेम मेरे ख्याल से बिल्कुल लास्ट में जाके हैं। देखिए यहाँ पे है, कोई नहीं, दिख नहीं रहा, दिखा देंगे आपको, चिंता ना करो। ये देखो भाई, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए क्वेश्चन है कि डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा आदि अंत में पहुंचा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सिंपल एक ही बात कह रहा है कि आप मान लो टाइपिंग कर रहे हो और उसके दौरान कौन सी की दबाएंगे तो आप इस लाइन के स्टार्ट और एंड पे जा सकते हो, तो वो होती है आपकी होम और एंड की। ठीक है, होम की दबाओगे तो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओगे, यानी कि बिगिनिंग में आ जाओगे, और एंड दबाओगे तो बिल्कुल लाइन के एंड पे चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर इज मेकिंग फॉर टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़पेपर और ब्रोशर। अब इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग न्यूज़लेटर, ब्रोशर, बुक्स वगैरह, टाइपिंग वगैरह में इनका यूज़ होता है, तो वो होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो ये होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है कि द जेनरिक वर्ड डैश इज रिलेटेड टू सम पीस ऑफ हार्डवेयर। भाई पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी हार्डवेयर से संबंधित है, तो इसमें हार्डवेयर से संबंधित है डिवाइस, यानी कोई भी डिवाइस है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर डिवाइस। कोई बताएगा कि पेपर में हिंदी और इंग्लिश आई थी, बिल्कुल आई हुई है भाई, हिंदी और इंग्लिश भी आई हुई है और रीजनिंग बहुत ही कम आई हुई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, बैकस्पेस की से क्या होता है, बैकस्पेस की से क्या होता है, जब बैकस्पेस की हम दबाते हैं तो क्या होता है, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उस समय पे जो हमारा लेफ्ट साइड का है वो कैरेक्टर डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, यानी मान लो आप यहाँ पे टाइपिंग करते आ रहे हो कुछ, और जैसे ही बैकस्पेस दबाते हो आप, तो वापसी में आपके जो लेफ्ट, जो बाईं तरफ के हैं, वो आपका जो कैरेक्टर आपने लिखे हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो कि एक से अधिक सेंट्रलाइज होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सर्वर कहलाते हैं, डैश सर्वर। सर्वर की बात आ गई, यानी कि ये क्या होते हैं, नेटवर्क। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और उनमें, उनको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। और नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वर, वो बाकी सबसे जुड़ा होता है। ठीक है, हाँ जी, लेफ्ट हैंड। आगे देखो नेक्स्ट क्या है कि बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है। इसमें पूछा है कि सीपीयू है और रैम इन दोनों को जोड़ता है, सीपीयू और रैम इन दोनों को जोड़ता है, और उसमें खास बात क्या है कि उसके अंदर एड्रेसेस होते हैं, तो मेमोरी के एड्रेस किस में होते हैं, एड्रेस बस में। अब ध्यान रखना, ये तीन बस होती हैं आपकी, एक होती है डाटा बस, एक होती है एड्रेस बस, और एक होती है कंट्रोल बस। डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से किसी के बारे में पूछें, तो ध्यान रखना कि डाटा बस का काम है सीपीयू और रैम के बीच में डाटा को लाना और ले जाना, कंट्रोल बस का काम है कंट्रोल सिग्नल को पूरे सिस्टम के अंदर लेके जाना। ठीक है, और एड्रेस का काम क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, मेमोरी के एड्रेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट अभी देखते हैं इसमें और कंप्यूटर का है क्या आगे कोई। ठीक है,
इसमें देखते हैं नेक्स्ट 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 कंप्यूटर का एक क्वेश्चन और था शायद। इसके अंदर नहीं है। इसमें भी नहीं है कंप्यूटर का। एक क्वेश्चन और भी है कंप्यूटर का, जिसमें पूछा हुआ है किसी भी वेबसाइट की जो है वो बेसिक यूनिट क्या होती है। किसी भी वेबसाइट की बेसिक यूनिट, हाँ ये रहा, इसी पेज पे था। इधर देखो, यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेब के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो उसकी जो बेसिक यूनिट क्या होती है वो होता है वेब पेज। किसी भी वेबसाइट की बेसिक जो यूनिट होती है वो होता है उसका वेब पेज। ठीक है, वेब पेज। तो ये थे कंप्यूटर के, और 7 क्वेश्चन आए हुए थे, टोटल 7 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा एडवांस नहीं थे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे अब आपको सर। हाँ जी, ठीक है, 7 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के, वो मैंने करवा दिए आपको। ठीक है, और सारे के सारे 2 गलत हैं जी। गलत क्यों कर दिए, बुक पढ़नी थी आपको कंप्यूटर की। सारे के सारे क्वेश्चन हैं इस बुक से कवर किए गए हैं। पहले भी आपको बहुत बार बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, लेकिन मानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। गुरु जी दिख नहीं रहा, दिख रहा है भाई, जूम करके दिखाएंगे आपको। नवीन, पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ है, किसमें, कौन से वाले, ये वाले। अब दिखाई देंगे आपको। छोटा भीम आपके कराए हुए आए हैं जी, बिल्कुल आए हुए हैं सारे के सारे। और क्लास में तो जो पढ़ा है ना ऑफलाइन में, उसको तो हर किसी को बिल्कुल बार बार बोल बोल के बताए गए थे कि भई ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गए आपके, अब आपको अच्छे से दिखाई देंगे। हाँ जी, जीके भी करवा रहे हैं सर अभी। कैसे बच्चों, सभी को राम राम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। कैसे हो सारे के सारे, एक बार कमेंट कीजिए, क्लास को शेयर करो बच्चों, फटाफट फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत कम शेयरिंग करते हैं आप लोग, है ना। और अब फटाफट आंसर बताते जाइए आप मेरे को, क्योंकि आप बहुत ही कुशाग्र बुद्धि हो, आप सभी जानते हो। पहले का आंसर बताइए फटाफट, आपकी स्क्रीन पे है ना पहला क्वेश्चन। हाँ, सभी को नमस्ते, काद्यान साहब, विशन कुमार, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते नमस्कार। शेयर करो बच्चों एक बार फटाफट क्लास को। पहले का आंसर बताइए फटाफट, आपकी स्क्रीन पे है ना पहला क्वेश्चन। तो अब हम ना मोस्टली पेपर सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर के सर ने आपको करवा दिए होंगे, और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं
इसको छोड़ के कंप्यूटर को, कंप्यूटर के सर करवा चुके हैं, तो हम सारा जो मोस्टली पेपर है वो कोशिश करेंगे सॉल्व करेंगे कंप्लीट आज भाई। सभी बच्चों का पेपर है तो कुछ टीचर्स का भी, एसआई का पेपर है, किसी का रीट का पेपर है, तो टीम है ना थोड़ी सी है नहीं मौजूद, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं चलो पूरा करने की, जितना हो सके करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हाँ शाबाश, तो करें शुरू। देखो फिर, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण जो है वो किसके समय में हुआ था? तो बच्चों आप सभी जानते हैं राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। किसके समय में? राष्ट्रकूट जो थे, ये क्या छोटी हो गई क्या? राष्ट्रकूटों के समय में, इसका पेन कहां से? यही होगा क्या? ये है, अच्छा। तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था बच्चों। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर मिले हैं? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो वो कहां मिले हैं? हम्पी में मिले हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वो स्थान कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार में निर्वासित किया गया था बच्चों, जिसको बर्मा के नाम से आजकल जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अगला है, थियोसिफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां स्थापित किया गया है? तो बच्चों ये भारत में कहां पे? अडियार में। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो भारत में कहां है? अडियार में। बच्चों फटाफट शेयर कर दो क्लास को, जोश में आ जाइए बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर, इनका नाम रखा गया बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी जो जेल है उसका नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, बताइए। ये वीर सावरकर, मैं तो ये सोचता हूं शायद वीर सावरकर के नाम पे, वीर सावरकर को इसी जेल में बंद किया गया था बच्चों, आप सभी जानते हो है ना। तो बाकी आप इसको देख लेना बच्चों इस क्वेश्चन को। अभी आगे हरियाणा क्वेश्चन आगे, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो राय बहादुर से सर छोटूराम जो थे वो राय बहादुर से सम्मानित हुए थे बच्चों। राय बहादुर या राव बहादुर, राव बहादुर भी कहते थे, अंग्रेजों द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान था ये, राव बहादुर या राय बहादुर। ठीक है, इसमें राव का अर्थ होता था राजा, राव का अर्थ क्या होता था? राजा। ठीक है, और बच्चों बहादुर जो है, बहादुर उसका अर्थ आप सभी जानते हैं, बहादुर किसे कहते हैं? वीर को कहते हैं बहादुर। ठीक है, ये जो राव बहादुर या राय बहादुर का जो उपाधि दी जाती थी ये हिंदुओं और ईसाइयों के लिए होती थी, हिंदू और ईसाई, जबकि मुसलमानों को राय खान की उपाधि दी जाती थी, राय खान या राव खान। ठीक है, सॉरी राय नहीं, सॉरी खान बहादुर की, किसकी? खान बहादुर की, खान बहादुर की मुस्लिमों के लिए देते थे अंग्रेज। और जो सिख थे उनको सरदार बहादुर की उपाधि दी जाती थी, सरदार बहादुर सिखों के लिए। ठीक है, तो सर छोटूराम जो कि रोहतक के गड्डी सापड़ा गांव से संबंध रखते थे और वर्तमान में जो है इनके गांव का नाम इनके नाम पे जो छोटूराम नगर जो रखा गया है, और 64 फीट ऊंची जो इनकी प्रतिमा जो गांव में लगी गई लगाई हुई बच्चों, इन्हें 1937 में नाइट की उपाधि भी दी गई थी, 1937 में नाइट की उपाधि भी दी गई थी बच्चों सर छोटूराम को, रहबर ए आजम, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के मसीहा जो हैं वो कहलाते हैं, दिन बंधु भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा भाखड़ा डैम जो प्रोजेक्ट है उसके जन्मदाता जो हैं वो भी कहलाते हैं कौन? सर छोटूराम। कौन? सर छोटूराम।
आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए। आगे है, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? बच्चों बहुत बार मैं ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को जितनी भी कक्षाओं में, मिनियोचर ओशियन, मिनियोचर ओशियन लघु रूप महासागर जो है वो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। बच्चों किसने कहा था? अबुल फजल जो थे उन्होंने कहा था, अबुल फजल ने, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पक्का तालाब है जो चारों ओर से पक्का पड़ा हुआ है। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा कहां है बच्चों? कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा तालाब जो चारों ओर से पक्का है वो कहलाता है ब्रह्म सरोवर। और जो केबीडी है, कुरुक्षेत्र केडीबी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसका मुख्यालय कहां है ब्रह्म सरोवर पर? यह बच्चों इसका मुख्यालय जिसके अध्यक्ष राज्यपाल होते, उपाध्यक्ष धुमन जो है किरमिच है, मोहम्मद गौर ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर आया और आया? अब बच्चों इसमें देखो एचएससी क्या करती है, पता है क्यों? आप सभी जानते हैं इसका आंसर कि त्रावड़ी कहां रहा था, त्रावड़ी या त्राइन, त्रावड़ी या त्राइन, ठीक है। लेकिन बच्चों कई बार पहले एचएससी ने जो एग्जाम लिए ना, वैसे तो आंसर तो यही होना चाहिए, वह तरोरी लिखा हुआ था इसको, और तरोरी भी इन्होंने ऑप्शन में दे दिया। अब क्या करें यार, इनका कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। त्रावड़ी या त्राइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है। और राय पिथोरा बच्चों जिसका अर्थ होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला राय पिथोरा, ठीक है। तो 1192 में ये लड़ाई हुई थी बच्चों, 1192 में, दूसरी, पहली में पृथ्वीराज चौहान जो विजयी हुआ था 1191 में। तो त्रावड़ी या त्राइन जो कि बासमती चावल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, त्रावड़ी से जो हमारे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी आते हैं जिन्हें त्रावड़ी एक्सप्रेस या करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। कर लोगे? शाबाश बच्चों, क्लास को शेयर कीजिए। नेक्स्ट, अगला, इनमें से कौन से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? बच्चों महावीर प्रसाद हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, आप सभी जानते हो। जय सुखलाल हाथी भी हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, आप जानते हो। परमानंद भी हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, और वर्तमान में कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल हैं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आचार्य देवव्रत नहीं रहे बच्चों, आचार्य देवव्रत जो हैं वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के संरक्षक हैं, कुरुक्षेत्र जो गुरुकुल है, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे शुरुआत में, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल है। संबंध हरियाणा से है आचार्य देवव्रत का, जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल है उसके संरक्षक हैं। और कहां बने बच्चों? ये बने थे, आप सभी जानते हो, पहले हिमाचल के, इनको जो है बाबा रामदेव के सहयोग से हिमाचल का बनाया गया था इनको राज्यपाल, और वर्तमान में किसके? गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, इनमें से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? पहला, बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल थे बच्चों। बाजे भगत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के सिसाणा गांव से संबंध रखते हैं। बाजे भगत जो है बहुत ही जबरदस्त कलाकार हुए बच्चों, बहुत ही जबरदस्त कलाकार, हरियाणवी संस्कृति के सांगों के बहुत ही जबरदस्त कलाकार जो हैं वो बाजे भगत जो हैं वो हुए हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के समकालीन थे, और शुरू में पंडित लक्ष्मीचंद से जो है वो बच्चों 21 माने जाते थे बाजे भगत, ठीक है। और इनके गांव में आश्रम में इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो बाजे भगत हरियाणा से संबंध रखते हैं। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, बिल्कुल बच्चों। जनरल वीके सिंह जो है वो हरियाणा के भिवानी जिले के बापोड़ा गांव में जन्मे थे। बापोड़ा गांव में एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स जो है, एशिया का सबसे बड़ा जल घर वाटर वर्क्स का है बापोड़ा गांव में। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, बिल्कुल है बच्चों। अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के संयोजक हैं, इनका जन्म भिवानी डिस्ट्रिक्ट की सिवानी तहसील के खेड़ा गांव में हुआ था।
और हिसार से इनका संबंध रहा। हिसार में इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की क्योंकि इनके पिता जो हैं हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में जो है वो इंजीनियर थे, तो वहीं से इनकी शिक्षा हुई। तो गुलाबचंद कटारिया ये ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। अगला है हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10। NH-10 बच्चों हरियाणवी पृष्ठभूमि पे बनी हुई फिल्म है। जैसे आप जानते हो सुल्तान हरियाणवी पृष्ठभूमि बनी है, दंगल हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बनी है, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जो है ये हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्में हैं। तो इनमें NH-10 भी एक है। तो अभिनेत्री इसमें कौन थी? तो अनुष्का शर्मा जो है वो इसमें अभिनेत्री थी। बच्चों अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी है। बच्चों वर्तमान में प्रणीति चोपड़ा हमारे हरियाणा से ही संबंध रखती हैं। प्रणीति चोपड़ा हरियाणा के अंबाला से संबंध रखती हैं। मलिका शेरावत ये भी हरियाणा से संबंध रखती हैं, हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखती हैं। हिसार जिले के जो हांसी तहसील है, ठीक है, उसमें गांव है मोठ, वहां से संबंध रखती हैं। इनका वास्तविक नाम रीमा लंबा है और शेरावत जो अपनी माता का गोद जो पीछे लगाती हैं। करीना कपूर का भी संबंध वर्तमान में हरियाणा से है। क्यों है बच्चों बताओगे आप? हरियाणा से संबंध कैसे है करीना कपूर का? करीना कपूर का संबंध कैसे है? बच्चों करीना कपूर के पति हैं सैफ अली खान। कौन है? सैफ अली खान, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान। और सैफ अली खान का संबंध हमारे हरियाणा से है। हरियाणा में बच्चों गुड़गांव में पटौदी रियासत है, पटौदी होती थी, अब भी वहां इनका महल है पटौदी महल, जिसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। अगर हरियाणा का व्हाइट हाउस पूछे तो पटौदी महल को कहते हैं। नवाब मंसूर अली खान पटौदी, आपने सुना होगा, इंडियन टीम के क्रिकेटर हमारे हरियाणा से संबंध रखते थे। सबसे युवा कैप्टन इंडियन टीम के वही बने थे मात्र 21 वर्ष की उम्र में। उनको टाइगर पटौदी के उपनाम से जाना जाता है, पटौदी टाइगर, टाइगर पटौदी के उपनाम से जानते हैं बच्चों। बहुत जबरदस्त अक्षेत्र रक्षक थे, फील्डर बहुत जबरदस्त थे। उनके बेटे हैं सैफ अली खान, मतलब इनका हरियाणा से संबंध है पटौदी से, और उनकी पत्नी है करीना कपूर, ठीक है। तो इस लिहाज से वर्तमान में करीना कपूर का संबंध हरियाणा की बहू है ये। अच्छा, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बच्चों विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है ये। किसकी बात हो रही है? विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। कहां? हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। तो उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थी? प्रिया मलिक, 73 किलोग्राम भार में। किसमें? 73 किलोग्राम भार में बच्चों ये खेल रही थी, 73 किलोग्राम में, ठीक है। तो प्रिया मलिक ने जो है वो जीता था बच्चों, ठीक है। साइन ये मीराबाई चानू बच्चों ओलंपिक 2021 में इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। साइना नेहवाल जो है इनका संबंध हरियाणा से है, इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ साइना नेहवाल का। और पीवी सिंधु जो है इसका पूरा नाम अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो पुसरला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम है, पुसरला वेंकट सिंधु जो है वो इनका पूरा नाम है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अरे पीडीएफ कहां गई तारी? आगे कहां है पीडीएफ? नहीं ये तो हो गया ना। ये तो हो गए, ये यहां तक हो गए। अच्छा फिर वो कहाँ गई थी? वो बात कहाँ गई थी? पीडीएफ वो कहाँ है? अब पेन कहाँ है? यहां से खेला होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? खेला होबे बच्चों शेयर करो फटाफट, क्लास बहुत कम शेयर करते हो आप, है ना, बहुत कंजूस हो क्लास के मामले में। खेला होबे
पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये प्रसिद्ध हुआ था ना खेला होबे। बच्चों आकाशवाणी के निर्देशक 2021 कौन है? आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन बने बच्चों? तो एन वेणुधर रेड्डी। कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी जो हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खदरी। बच्चों आप जानते हो वर्तमान में हमारी हरियाणा एसएससी जो है वो भोपाल सिंह खदरी यमुनानगर जिले के जो हैं से संबंध रखते हैं, आरएसएस के सदस्य हैं, संघ के सदस्य हैं। और खदरी इनके गांव का नाम है। खदरी क्या है? इनका गोत्र नहीं है बच्चों, इनके गांव का नाम जो है वो खदरी है, यमुनानगर से संबंध रखते हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी हैं, यहां खदरी से क्या अभिप्राय है? जाति का नाम या समुदाय का नाम है, गोत्र का नाम है, खाद्र क्षेत्र के कारण? तो ये इनके गांव का नाम है बच्चों। खदरी क्या है? इनके गांव का नाम है खदरी। तो आई थिंक ये गांव का नाम खाद्र क्षेत्र के कारण ही खदरी हुआ होगा, खाद्र क्षेत्र के कारण ही खदरी जो है वो हुआ होगा बच्चों। हाँ राजू मेला, पता नहीं सुबह शाम क्या करते रहते हो आप, है ना? हाँ लाइक भी नहीं करते, ये इनका काम है ना। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन हैं? हरियाणा में गौ सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष जो हैं वो श्रवण कुमार गर्ग है बच्चों। वर्तमान में कौन है? श्रवण कुमार गर्ग जो हैं वो है। इन्होंने भानीराम मंगला का स्थान लिया। पहले ये होते थे बच्चों भानीराम मंगला, पहले कौन होते थे? भानीराम मंगला होते थे। तो भानीराम मंगला का स्थान लिया श्रवण कुमार गर्ग ने। तो हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार गर्ग, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो कौन से क्रम के हैं? वो 18वें क्रम के राज्यपाल हैं बच्चों। पहले राज्यपाल कौन हुए? तो पहले राज्यपाल हरियाणा के श्री वीरेंद्र सिंह हुए। कौन हुए? श्री वीरेंद्र सिंह, सॉरी, हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर हुए बच्चों। लगभग 10.5 महीने का कार्यकाल रहा। हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर जो हैं वो हुए, लगभग 10.5 महीने का जो है उनका कार्यकाल रहा बच्चों। और अब वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से? 18वें। किसका स्थान लिया? 17वें पे कौन थे? आप सभी जानते हो बच्चों 17वें पे कौन है, कमेंट बता करके बता दीजिए। सबसे लंबे समय तक कौन रहे? बीएन चक्रवर्ती जो है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो दूसरे नंबर के थे वो सबसे लंबे समय तक रहे। और सबसे छोटा कार्यकाल ओपी वर्मा का रहा। किसका रहा? ओपी वर्मा का सबसे छोटा रहा बच्चों, ठीक है। बच्चों उत्तराखंड राज्य से कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो बच्चों देखो मेरे आगे तो एक क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, करंट का क्वेश्चन है कोई। हाँ सत्यदेव नारायण आर्य का संबंध का स्थान इन्होंने लिया बच्चों। सत्यदेव जो नारायण आर्य है उनका स्थान, उनके स्थान पे बंडारू दत्तात्रेय आए हैं। उत्तराखंड राज्य के कौन से मंत्री जिनका संबंध हरियाणा से है? तो मैं तो इसके बारे में श्योर नहीं हूं बच्चों कौन से है, ये देखते हैं कौन से। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा इसके बारे में। आगे चलते हैं। हरियाणा के कौन सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो बच्चों अभी आपको ध्यान होगा 6 महीने पहले ही अरविंद शर्मा के पिता की मृत्यु हुई थी। अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद हैं। कहां से हैं? रोहतक से सांसद है ना अरविंद शर्मा। तो इनके पिता की मृत्यु अभी 6 महीने पहले ही हुई थी बच्चों, आपको ध्यान होगा बीमारी से इनके पिता का देहांत हुआ था, ठीक है। हरियाणा के गृह मंत्री की मुख्य विशेषता क्या है? उच्च शिक्षित है। ज्यादा उच्च शिक्षित तो नहीं है हमारे गृह मंत्री, आप सभी जानते हैं बच्चों श्री अनिल विज हैं। श्री अनिल विज जिन्हें गब्बर के उपनाम से जाना जाता है। किसके उपनाम से जानते हैं? जिन्हें गब्बर के उपनाम से जानते हैं श्री अनिल विज जो हैं, बाबा भी कह देते हैं बच्चों। पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं, पहले थे क्या गृह मंत्री? वे अविवाहित हैं, बिल्कुल हैं, अनमैरिड हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे हरियाणा के जो गृह मंत्री श्री अनिल विज उनकी मुख्य विशेषता क्या है कि वो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भारत के गृह मंत्री नहीं रहे,
क्या चौधरी चरण सिंह हरियाणा के गृह मंत्री रहे थे? चौधरी चरण सिंह बच्चों ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी लोकसभा का सामना जो है वो नहीं किया बच्चों, ठीक है। ऐसा कौन सा नेता या नेत्री है जो पहले गृहमंत्री रहा और बाद में देश का प्रधानमंत्री? राजू में लाइए, क्या बेतुके क्वेश्चन पूछ रही है, मोदी सरकार में सारे ऐसे हैं कि देखते हैं बच्चों ये इनके आंसर भी, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर तो इंदिरा गांधी आना चाहिए ना, कि ऐसी कौन से नेता नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रहे और बाद में देश की प्रधानमंत्री बने? तो बच्चों वल्लभ भाई पटेल तो कभी प्रधानमंत्री बने नहीं, ठीक है, और आई थिंक इंदिरा गांधी ऐसी थी जो पहले जो है गृह मंत्री रही थी और बाद में जो है वो प्रधानमंत्री बनी थी देश की। चलाना भी को नहीं आवे। इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है, बताइए बच्चों इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? तो हरियाणा पुलिस की आप लोगों ने तैयारी की है, तो आप लोगों ने हरियाणा पुलिस की तैयारी की है तो जाहिर सी बात आप ये चीज पढ़ के भी आए होंगे, है ना। हाँ बच्चों देखो कौन सा हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बच्चों मोहम्मद साइन जो हैं ये पूरा डीसी रह चुके हैं, मोहम्मद साइन पूरा डीसी रह चुके हैं बच्चों, ये हरियाणा पुलिस के अधिकारी नहीं है। बाकी हामिद अख्तर, मोहम्मद अकील, ओपी सिंह जो हैं ये वर्तमान में हरियाणा पुलिस के क्या हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है बच्चों। हामिद अख्तर जो हैं ये पंचकुला हेडक्वार्टर में आईपीएस हैं, पंचकुला हेडक्वार्टर में आईपीएस हैं। मोहम्मद अकील को वर्तमान में जेल का कार्यभार जो है संभाला गया है जेल का। ओपी सिंह जो ये क्राइम ब्रांच के डायरेक्टर हैं वर्तमान में, क्राइम ब्रांच के, ठीक है। तो मोहम्मद साइन जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी नहीं है, ठीक है बच्चों। फटाफट जो है वो क्लास को शेयर करो, आप शेयरिंग में बड़े कंजूस हो, मैं बार बार कहता हूं बात है ना। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या, वैज्ञानिक नाम आपको पढ़ के जाने चाहिए बच्चों, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कैपरा एगेग्रस हिरक्स जो है वो बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडेक्स जो है ये गाय का, भैंस का जो जेबुआ, जेबू जो है इनका बोस इंडेक्स जो है वो नाम होता है गाय का, ठीक है। और बकरी का पूछा गया तो बकरी का कैपरा एगेग्रस हिरक्स जो है वो नाम है। इनमें से कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है, तो आप सभी जानते हैं बच्चों हांसी, हांसी विधिवत रूप से जिला नहीं है लेकिन उसके बावजूद एक पुलिस जिला बनाया गया है बच्चों। दो ऐसे हमारे पुलिस जिले हैं जो जिला न होते हुए पुलिस जिले बनाए गए, उनमें से एक है हांसी और दूसरा है मानेसर। हांसी और मानेसर ये दो ऐसे पुलिस जिले बच्चों जो जिला नहीं, विधिवत जिले नहीं, उसके बावजूद इन्हें क्या बनाया गया है, पुलिस जिले। तो यहां कहता कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है, तो हांसी है बच्चों। दादरी आप जानते हो हमारा जिला है, 22वां जिला 1 दिसंबर 2016 से अस्तित्व में आया। गोहाना जो बच्चों ये जिला बढ़ाने की बार बार मांग उठती है, अभी तक जिला है नहीं गोहाना। कोसली जो बच्चों, कोसली एक जो है तहसील है किसकी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, जहां से हमारे हरियाणा के सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो किस क्षेत्र से आते हैं, कोसली क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट ये आंसर आप दोगे बच्चों, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है, इसका आंसर आप लोग दो और फटाफट शेयर करो बच्चों क्लास को। शेयरिंग में बहुत वही बात है ना, बहुत कंजूस हो आप लोग। बताइए
ये रुकी भी कैसे है? ये वहाँ टाइम पे ले आनी थी आगे। अच्छा बच्चों, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी। अब जो बच्चे एक बात और है, जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पीएसटी का मतलब नहीं जानते तो फिर फायदा क्या बच्चों? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो है इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री यशपाल सिंघल जो है वो इसके अध्यक्ष है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यशपाल सिंघल है बच्चों, पहले डीजीपी भी रह चुके हैं। हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? बच्चों ये भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, किस डीजीपी की मृत्यु जो हाल ही में हुई है। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग। बच्चों जितने हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए ना, मोस्टली में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अब इसमें चारों में यही दे रखे ऑप्शन, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्यों पूछना चाह रहा है? ये क्रम से पूछना चाह रहा है। तो पहले सेवा है, फिर सुरक्षा, फिर सहयोग। सेवा सुरक्षा सहयोग, ठीक है। आगे देखते हैं, मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ है छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। बच्चों अब की बार हिंदी भी आई और इंग्लिश भी आई, दोनों आए ना, एक बार दोनों उड़ा दिए, एक बार हिंदी उड़ा दी, इसलिए एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है। बच्चों आप सभी सब्जेक्ट्स की जो है वो अच्छे से तैयारी करके जाइए, सभी सब्जेक्ट्स के क्लास को शेयर करते रहिए। नवराज सिंधु है उसका, एक मिनट, ये तो यशपाल सिंघल तो आरटीआई का है ना, एक मिनट बच्चों मैं चेक करवाता हूं, एक मिनट रुकना, इसको चेक करो। ये यशपाल सिंघल शायद आरटीआई का है, ये इसका शायद, हाँ एक मिनट बच्चों देखते हैं, कोई बात नहीं आप आगे चलते हैं, तब तक चेक कर लेंगे। मुहावरे का अर्थ बताइए। अब देखो एचएससी की विडंबना दिखाऊं मैं आपको, हिंदी, ये सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी में बताइए कैसे लिखा हुआ, देखो शाबाश, और कहीं तो गलती चल जाएगी लेकिन हिंदी में बताइए। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, पहला ऑप्शन है दान के लिए सुपात्र न होना, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, गंजे के सर पर सुगंधित तेल लगाना, या अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, जो उस चीज के लायक नहीं है और उसको वो पद मिलना, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसमें विशेषण, विशेषण आधा है बच्चों, आधा, और आधा परिमाणवाचक है, आधा संख्या भी होती है। ये किसका है, आरटीआई का ना, देखो एक बार बच्चों, देखो आधा क्या होता है, संख्यावाचक नहीं, लेकिन इसके पीछे अगणनीय संज्ञा है दूध, तो ये क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक। अगर यहां गणनीय संज्ञा होती काउंटेबल तो ये बन जाता संख्यावाचक। कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? कर, कर अनेकार्थी शब्द है बच्चों, कर का अर्थ हाथ होता है, कर का अर्थ हाथ होता है, कहते ना उसके कर कमलों द्वारा, उद्घाटन में लिखा होता ना, ये उसके कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, कर हाथ होता है। कर आप जानते हो टैक्स, टैक्स भरते हैं सभी, वो कर है, आयकर वगैरह, सेवा कर वगैरह, मुख्य सूचना आयुक्त ना, हाँ। और बच्चों किरण, किरण जो है ना ये भी क्या होती है, जैसे आप कहते हो निशा कर, प्रभाकर, ठीक है ना, कर भी क्या होता है, किरण होती है, कर्म नहीं होता, कर का अर्थ क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता बच्चों, ठीक है। अगला है विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या है? बच्चों विश्वामित्र जो है इसका संधि विच्छेद होता है विश्व प्लस मित्र। बहुत से बच्चे इसने विश्व प्लस अमित्र करेंगे, गलत हो जाएगा बच्चों, विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र, विश्व का मित्र है जो, विश्व प्लस मित्र, सी ऑप्शन।
परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, कर्मधारी है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों वो योगिक कहलाते हैं, जिसका कोई सार्थक खंड ना वो रूढ़ होता है, और जिसके सार्थक खंड टुकड़े हो जाए वो योगिक कहलाता है। और योग रूढ़ आप जानते हैं बच्चों, जिसके सार्थक खंड तो हों लेकिन जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, ठीक है। हाँ बच्चों, वो दोबारा ध्यान देना, वो आप लोग जो है ठीक कह रहे थे, ये यहां दोबारा आता हूं मैं इस पे 31 पे। हरियाणा पुलिस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नवराज सिंधु है बच्चों, इसको ठीक कर लेना। क्या है? नवराज सिंधु है। यशपाल सिंगल मुख्य सूचना आयुक्त है। क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, हमने ठीक कर लिया बच्चों, ठीक है। ध्यान दो, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नवराज संधु है बच्चों। कौन है? नवराज संधु। और यशपाल सिंगल कौन है? यशपाल सिंगल है मुख्य सूचना आयुक्त, जो है वो यशपाल सिंधु है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। 40 क्वेश्चन है बच्चों आपका। कहता है, वी आर हैप्पी दैट अवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो बच्चों एक बात बताओ, यहां सब्जेक्ट है अवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और दूसरा है द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट। ये दो सब्जेक्ट विद से जुड़े होते हैं, विद से जुड़े हैं। और जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों, अलोंग विद से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, ठीक है, एज वेल एज से जुड़े हों, ठीक है, तो उस टाइम वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आते हैं? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वर्ब यहां आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? आर। जबकि पहला सब्जेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पे क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, ठीक है। तो जब दो सब्जेक्ट जो हैं वो विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, एंड नॉट, एज वेल एज, इनसे जुड़े होते हैं, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। अगला है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिलिंग द ब्लैंक। डू यू वॉन्ट सम हेल्प? Do you want some help? Next देखिए अगला। अच्छा ये तो बहुत बार कहते हैं बच्चों, इसमें ही बच्चा गलती करता है। Knowledge is a dangerous thing, बहुत बार बताते हैं हम। Knowledge is a dangerous thing, a little knowledge is a dangerous thing। कहते ना, नीम हकीम खतरा ए ज्ञान, a little knowledge is a dangerous thing। नीम हकीम खतरा ए ज्ञान, ठीक है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है बच्चों। तो क्या आएगा? ए लिटल। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। फिलिंग द बैलेंस विद, फिलिंग द बैलेंस विद द करेक्ट एडवर्ब। हिज हॉर्स रन्स खालिस्तान ऑफ ऑल इन द ग्रुप। तो बच्चों कंपैरिजन है ना, तो क्या आएगा? स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट। हां एग्जाम ऑफलाइन था बच्चों, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन है। कंपैरिजन जब ज्यादा से हो, पूरे ग्रुप से कंपैरिजन है, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन दो के अंदर हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव का। और अगर सिर्फ एक का ही जिक्र हो तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आगे हाँ बच्चों, ये है मैथ का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, मैथ बहुत आसान आया हुआ है। देखो मैथ में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया, तो उसका सही उत्तर से 250 अधिक आया, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या थी बच्चों 480। कैसे आई बच्चों? उसने 5/6 से 5/16 ज्ञात करना था, गलती से कितना कर दिया? 5/6 ज्ञात कर दिया। ज्ञात करना था कितना? 5/16। गलती से कितना ज्ञात कर दिया? 5/6। तो
तो बच्चों हम संख्या निकालनी है, संख्या इन दोनों कैल्शियम को मान लेते हैं, 16 और 6 कैल्शियम 48 है, तो हमने संख्या मान ली 48, संख्या कितनी मान ली 48। तो बच्चों पहले उस संख्या का 48 का 5/16 जो है वो ज्ञात करना था, तो 48 का 5/16 निकालता तो कितना आता, 5 × 3 = 15 आता, लेकिन उसने उसका 5/6 निकाल दिया, 48 का कितना निकाल दिया 5/6, तो आंसर कितना आया 40, आना कितना था 15, आया कितना 40, तो कितना ज्यादा आया, आना था 15 आया 40, तो बच्चों 25 ज्यादा आ गया, कितना ज्यादा आया 25, लेकिन या तो कहता 250 अधिक आया, उत्तर से कितना अधिक आया 250, हमारे अकॉर्डिंग 25 है, एक्चुअल में 250 है, कितना गुना है 10 गुना, एक्चुअल वाला हमारे से 10 गुना ज्यादा है, तो संख्या भी कितने गुना होगी 10 गुना, हमने संख्या 48 मानी थी तो इसकी 10 गुना कितनी हो गई 480, कितनी हो गई बच्चों 480, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सुखीराम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल का पेपर 29-30-31 अक्टूबर को होगा, भोपाल सिंह खदरी जो कह रहे हैं वो टाइम पे चीजें हो रही हैं बच्चों, इसी को ध्यान में रखो और अपनी तैयारी पे जुट जाओ। और अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो हमारा केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप, उस पे हरियाणा पुलिस का जो कोर्स है वो मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 रुपए में बच्चों पूरे का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा। और जल्दी कृष्णा क्लासेज आप लोगों के लिए CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और हरियाणा SSC HSSC, इसके अलावा पटवारी के अलावा ग्राम सचिव दुर्गा शक्ति, इनके ऑनलाइन बैच जो है लाइव बैच होंगे बच्चों, की बार वाले क्या लाइव बैच और सब्जेक्ट स्पेशल बैच ये जल्दी अनाउंस जो है करने वाली, हमारे साथ बने रहिए बच्चों, जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/1/11। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए बच्चों, ठीक है। कैसे देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप यूं कर सकते हो 10% है, 10% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे 1/10 लिखोगे, क्या लिखोगे 1/10, तो लंबाई 10% बढ़ गई, पहले लंबाई 10 मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं 10, तो फिर 1 बढ़कर कितनी हो जाती है 11, पहले लंबाई 10 मान ली, 1 बढ़कर 11 हो गई, इन दोनों कैल्शियम ले लिया 110, तो हमने मान लिया एरिया जो ना अक्षेत्रफल वो कितना 110 है, तो लंबाई 10 थी बच्चों, एरिया 110 था, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी 11, क्योंकि अक्षफल को लंबाई से भाग कर दिया। दूसरे केस में अक्षफल 110 है और लंबाई 11 है, तो चौड़ाई कितनी भी 10, पहले चौड़ाई 11 थी अब है 10, तो कितनी कम हो गई 1, कमी किसके ऊपर हुई 11 के ऊपर, और परसेंटेज निकालना गुणा में 100, तो 100/11 बोले तो 9/1/11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, यह भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, पहले दिया 24 फिर 60 फिर 120 फिर 210, तो आगे क्या आएगा 336 आ जाएगा, कैसे आया बच्चों, क्यूब से कम दिए हुए हैं, जैसे 3 का क्यूब होता 27, उससे 3 कम कितना हो गया 24, फिर 4 का क्यूब होता 64, उससे 4 कम कितना हो गया 60, फिर 5 का क्यूब 125, उससे 5 कम कितना 120, फिर 6 का क्यूब 216, उससे 6 कम कितना बना 210, और फिर बच्चों 7 का क्यूब 343, तो उसमें से 7 घटाओ तो कितना आया 336, ठीक है, हो जाएगा। क्लास को शेयर करते रहो बच्चों। नेक्स्ट नीड एक्स गेमिंग, पेपर कैसा था, पेपर जो है वो मिला जुला है, मीडियम पेपर है बच्चों, ठीक है। तो 24 है, 3 का क्यूब 27 में से 3 कम कर रखा है, 60 4 के क्यूब में से 4 कम, 120 5 के क्यूब 125 में से 5 कम, 210 6 के क्यूब 216 में से 6 कम, और फिर आएगा 7 का क्यूब 343 में से 7 कम 336। नेक्स्ट, कौन सी संख्या सबसे छोटी है बच्चों, सबसे छोटी संख्या इनमें से आपको निकालनी है,
तो सबसे छोटी संख्या निकालोगे तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, 12 बटा 13 पॉइंट लगाया 120 हो गया, तो 13 निमा 117, 3 0, 13 दुनी 26, इसको करोगे तो 140 हो गया, पॉइंट लगाया 144, 19 से भाग करोगे 140 को तो 19 7 133, आगे बाद में देख लेंगे, 170, 21 से भाग करोगे तो बच्चों कितना आया, 170 हो गया ना, 21 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 6 पे, 7 8 8 पे चला जाएगा ना, क्योंकि 168 होता है, और ये 250 हो गया, तो बच्चों कितने पे जाएगा, लगभग 9 पे, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 0.7 वाला, 14/19। अगला कहता है 51234 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए, 51234 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए। अब 9 से भाग होने के लिए या तो उसका जोड़ 9 से भाग होना चाहिए, जोड़ तो करोगे तो 5 और 1 6, 2 8, 3 11 और 4 15, जोड़ कितना बड़ा बच्चों, 15, 5 और 1 6, 6 2 8, 3 11 और 4 15, 15 9 से भाग नहीं होता, कितना जोड़े, अगर 3 जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो कितना जोड़े, 3, कंप्लीट भाग। और वैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा हम इसको जो है डिजिटल सम मेथड से करते हैं, डिजिटल सम मेथड में हम कहां कर क्या करते हैं, जहां 9 बढ़ता उसको उड़ा देते हैं, 5 और 4 9, बाकी कितना बचा, 3 2 5 और 1 6, 6 में क्या जोड़े, 9 से पूरा भाग हो जाए तो 3। अगला है ध्वनि तरंग का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में होता है ना, ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा सबसे तेज किस में चलती हैं, ठोस में, सॉलिड में बच्चों, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, बच्चों जीवाश्म ईंधन आप जानते ना, जो जीव जंतुओं के अवशेषों से बनता है, जो ईंधन किससे बनता है, जीव जंतुओं के अवशेषों से जो ईंधन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल, लेकिन क्या नहीं होता, लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता, क्योंकि जीव जंतुओं के अवशेषों से नहीं बनता, ठीक है। मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, फीमर बच्चों हमारी जांग में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, जांग में, तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो सबसे लंबी सॉरी वो है फीमर, सबसे छोटी जो है बच्चों वो स्टेपिस, स्टेपिस कहां मिलती है, कान में, मध्यकरण में, ठीक है। टिबिया बच्चों ये पैर में पाई जाती है, हड्डी कहां, पैर में। ह्यूमरस जो है ये ऊपरी भुजा में पाई जाती, कहां, ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस। और सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्री कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन कहते हो अंग्रेजी में, आप क्या कहते हो, न्यूरॉन, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी पूछ रहा है वर्तमान में, फीमर है बच्चों, सबसे लंबी हड्डी जो है वो क्या है, फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस, मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्री कोशिका मानव शरीर की, न्यूरॉन, टीबिया पैर में पाई जाने वाली हड्डी है, ह्यूमरस जो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। आगे देखिए, सवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, सवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है बच्चों, फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन, एल्गे जो ना, एल्गे, स्टडी ऑफ एल्गे, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है बच्चों, किन का, कवकों का, फंजाई का, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई, फंगस जो है उनका। वायरोलॉजी जो वायरस का अध्ययन होता है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। और जो पादप हैं, पेड़ पौधे, प्लांट्स, उनका अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला 54, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बच्चों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी, बिल्कुल की थी, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था, बिल्कुल किया था। आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने,
न्यूट्रॉन की चैडविक ने, फोटोन जो बच्चों फोटोन, फोटोन प्रकाश से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, फोटोन, फोटोन एच युकावा ने नहीं किया, फोटोन की थ्योरी देने वाला अल्बर्ट आइंस्टीन था, कौन था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी किसकी, फोटोन की, प्रकाशीय क्वांटम जो है ना उससे संबंधित है फोटोन, ठीक है। तो एच युकावा गलत है, फोटोन की थ्योरी किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी बच्चों, ठीक है। बच्चों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है, बताइए, राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है, क्लास को शेयर करते रहो बच्चों। राज्य कर्मचारी आयोग का अध्ययन इनमें से मेरे ख्याल में तो कोई नहीं होना चाहिए बच्चों, बाकी आपके पॉलिटी वाले सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, शायद 309 में होता है क्या, अनुच्छेद 309 के तहत होता है क्या, हरियाणा एसएससी 341। अगला इनमें से कौन सा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य कुमारी शैलजा जो है वो राज्यसभा की सदस्य नहीं है बच्चों, कांग्रेस की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है, कुमारी शैलजा ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, दुष्यंत गौतम हैं, रामचंद्र जांगड़ा हैं, डीपी वत्स हैं। आप सभी जानते हो राज्यसभा की 5 सीटें हरियाणा में, तो इसका मतलब राज्यसभा सांसद कितने हरियाणा में, 5, 3 तो ये हो गए दुष्यंत गौतम, रामचंद्र जांगड़ा, डीपी वत्स। इसके अलावा बच्चों एक है दीपेंद्र हुड्डा, क्या है, दीपेंद्र हुड्डा, और एक है बच्चों डॉक्टर सुभाष चंद्रा, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ठीक है, ये 5 है। इनमें से बच्चों डॉक्टर, ये जो दीपेंद्र हुड्डा ये कांग्रेस से हैं, राज्यसभा सांसद किससे हैं, कांग्रेस से हैं, और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो है निर्दलीय हैं, ये क्या है, निर्दलीय है बच्चों, ठीक है, कर लोगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है, तो हमारी एचएसएससी जो है उसका गठन 1970 में अनुच्छेद 309 के तहत हुआ था, किसके तहत हुआ था, अनुच्छेद 309 के तहत हुआ था बच्चों, एचएससी आर्टिकल 315 है सर अपनी बुक में दे रखा है जोगी, अच्छा चले पोल्टी वाले सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आगे चलते हैं बच्चों। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, कथन किसका है ये नहीं पता भैया, अपन किसका है ये, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है, अपना हरियाणा पाजो, किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। बच्चों आप सभी जानते हो हरियाणा में टोटल विधायक पदों के लिए 90 सीटें हैं, कितनी है 90, और इन 90 में से 17 आरक्षित हैं, कितनी आरक्षित हैं, 17 आरक्षित हैं, टोटल विधानसभा सीटें कितनी हरियाणा में 90 हैं, ठीक है। हाँ भाई रूसो, मैं सोचूं उसका आंसर रूसो, लेकिन कोई गलत बता दिया तो तामी रूस जोगे मेरे तय कॉन्फिडेंस को नहीं, इसलिए वैसे तो मन ने देखो अगर मैं पेपर देता तो रूसो लगाता, लेकिन रूसो गलत हो गया तो तारा में तो कोई ना कोई रूस जाएगा, भाई मास्टर ने गलत बता दिया, ठीक है। तो टोटल 90 सीटें हैं और 90 सीटें में से 17 आरक्षित हैं, और 17 आरक्षित में से बच्चों 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, 5 हमारे जिले ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, जिनमें से तीनों ये पंचकुला, दादरी और फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ भी है बच्चों, है ना, और कौन सा है बताओ कमेंट करके। अच्छा सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किसमें हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, कितनी हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं, किसमें, हिसार में। सबसे कम विधानसभा सीटें किसमें हैं, सबसे कम पहले अकेला पंचकुला होता था, अब 2 हैं, दादरी और पंचकुला, इनमें विधानसभा सीटें 2-2 हैं, पंचकुला में तो कालका और पंचकुला है, और चरखी दादरी में चरखी दादरी और बाडड़ा, तो इनमें 2-2 जो हैं वो विधानसभा क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा 7 किस्में हैं, हिसार में विधानसभा क्षेत्र है बच्चों, ठीक है।
हाँ कांस्टेबल की तैयारी कराओ सर अभी। हाँ प्रदीप तंवर, कांस्टेबल की तैयारी हम करवा रहे हैं। और जो बच्चा ऑनलाइन बैच जिसको चाहिए, 29, 30, 31 अक्टूबर का कांस्टेबल का पेपर है, तो हमारा ऑनलाइन बैच मात्र 299 रुपए में पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको, जैसी आप खरीदोगे पूरा पूरा बैच आपको मिल जाएगा बच्चों। और इसके अलावा जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सीईटी की हो, चाहे हरियाणा एसएससी की हो, चाहे बच्चों दुर्गा शक्ति की हो, और चाहे बच्चों कमांडो हो, और अगर हम बात करें चाहे पटवारी हो या ग्राम सचिव, इन सबके ऑनलाइन लाइव बैच जो हैं वो कृष्णा क्लासी जल्दी लेकर आ रहा है, और सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल बैच भी कृष्णा क्लासी लाइव जो है जल्दी लेकर आ रहा है। और ऑफलाइन बैच में कमांडो के स्पेशल बैच शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा दुर्गा शक्ति का स्पेशल बैच जो है वो अनाउंस कर दिया बच्चों, तो कोई भी बच्चा अगर इसमें एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है। और स्टडी मटेरियल की जहां तक बात करें तो कोई भी एग्जाम जो कृष्णा क्लासेस के स्टडी मटेरियल जो केसी पब्लिकेशन की बुक से उनसे बाहर नहीं जाता बच्चों। अभी सर ने आपको बताया कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन इस किताब से आए हुए हैं, बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक आज दिन हरियाणा में, तो इसको जरूर पढ़ें बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो हरियाणा वॉल्यूम 2 है हमारी, हरियाणा सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 2, वो जो है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश जीके जी, ये सारी किताबें बहुत उपयोगी है बच्चों। आगे चलते हैं, देखिए आगे, सबसे बड़ी हरियाणा में अनाज मंडी कहां है? सबसे बड़ी अनाज मंडी हरियाणा में बच्चों लाडवा में। कहां लाडवा? कहां है? कुरुक्षेत्र में। लाडवा कुरुक्षेत्र में हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, ठीक है। आगे बच्चों, गेहूं की फसल बोते समय तापमान कितना होना चाहिए? चलो इसको देखते हैं एक बार। इक्कीस से 22 या 15 से 18, यहां आ जाओ। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कब खोला गया? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बच्चों ये 7 जनवरी 1986 को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो 7 जनवरी 1986 को स्थापित किया गया। कब, कहां पे? हिसार में, NH9 पर है बच्चों, ये NH9 नेशनल हाईवे 9 जो हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, सबसे बड़ा। पहले इसका नाम NH10 होता था, NH10 होता था, ठीक है। तो इसका एक सब कैंपस जो बीकानेर में भी है, कहां है? बीकानेर में। हरियाणा में बन संतोर किस जिले में है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं बन संतोर जो है ये यमुनानगर जिले में है। कहां पे? यमुनानगर में। यहां हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो बनाया गया है। हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो कहां है? वो यमुनानगर के बन संतोर में। और बन संतोर का संबंध जो है वो महाभारत कालीन राजा शांतनु से बताया जाता है। किससे? महाभारत कालीन राजा शांतनु जो है उससे बताया जाता है बच्चों, बन संतोर का, ठीक है। और बच्चों देखो एक मिनट इसको देख लेते हैं दोबारा, गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए? गेहूं की फसल को बोते समय वैसे तो 25 से 30 डिग्री होता है बच्चों। अब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो है गेहूं बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आई थिंक 21 से 22 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 21 से 22 गेहूं की फसल को बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो आना चाहिए। इसके बाद हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? तो यह है हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, पशु आश्रय योजना, ठीक है, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, कृषि भूमि की खरीद और संयुक्त कटाई। तो बच्चों ये तो देखना पड़ेगा कौन सा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपके कंप्यूटर के हैं, सर ने करवाई दिए होंगे, अब कहो तो आंसर आंसर बता दूं। चलो आगे चलते हैं,
आगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये। ये कहता हेल्प का कोड 5 है, हेल्प का कोड कितना है 5 है, तो बैल का कोड क्या होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हेल्प में एच की प्लेसिंग वैल्यू कितनी होती है 8, ई की कितनी होती है 5, एल 12 पे है और पी है 16 पे, ठीक है। एच की प्लेसिंग वैल्यू 8 है, ई की 5 है, एल 12 पे, पी 16 पे, तो बच्चों ये सारे का जोड़ कितना हो गया 41 हो गया, 20 और 21 41। अब 41 जो जोड़ हुआ इसको अगर मैं दोबारा जोड़ू तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो सभी प्लेसिंग वैल्यू को जोड़ रखा है, सभी प्लेसिंग वैल्यू को जोड़ा तो 41 आया, उसको फिर जोड़ दिया 4 और 1 को 5, इस प्रकार कोड बना गया है। तो बैल जो ना बैल बी ई एल एल, तो बी कितने पे है 2 पे, प्लस ई कितने पे 5 पे, एल 12 प्लस एल 12 12 12 24 24 और 7 जो है वो कितना 31 होगा बच्चों, 31 जोड़ा गया। अभी इसको दोबारा जोड़ोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो बहुत आसान रीजनिंग आई हुई थी आपकी, क्वेश्चन कम थे बच्चों, हालांकि कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश देने जरूरी है, वो दिए हैं। अब ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना, तो बच्चों 1858 में पंजाब का भाग बना, 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई, सबसे पहले क्रांति हमारे हरियाणा से ही हुई थी बच्चों, वो हालांकि इतिहास में हमें पढ़ा जाता मेरठ, तो मेरठ से कई घंटे पहले हरियाणा में अंबाला में जो क्रांति का बिगुल बज चुका था, लेकिन एक गद्दार श्याम सिंह जो सैनिक था उसने क्या किया, अंग्रेजों को सैनिकों की योजना के बारे में बता दिया और वो सफल नहीं हुई बच्चों, ठीक है। और अगर मैं आपको यह बताना चाहूं कि हरियाणा में क्रांति जो बहुत जगह हुई और काफी परेशान किया अंग्रेजों को, तो तब क्या किया अंग्रेजों ने, इसको जो है दिल्ली आदि से काट के जो है वो पंजाब के पीछे लटका दिया एक पुंजड़ी के रूप में, ले परेशान होते रहेंगे, ना इनकी भाषा मिलती ना इनकी संस्कृति मिलती, तो इस क्षेत्र का कोई विश्वास विकास नहीं हुआ। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पंजाब में जोड़ दिया, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा 1858 में पंजाब का भाग बना था, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे है 24, 36, 40 का लघुत्तम, ये तो 360 आएगा ना, कितना आएगा 360 लघुत्तम पता है ना आपको बच्चों, दिखता तुर कार्ड भी रखे 24, 36, 40, 2 × 12 = 18, 20, फिर 2 × 6 = 9, 10, फिर 2 × 3 = 9, 5, फिर 3 × 1 = 3, 5, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 90 × 180 × 360, ठीक है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव समारोह, ये इसका लक्ष्य क्या है बच्चों, आप सभी जानते हो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो है वो फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ जिसका वर्तमान नाम है बच्चों बलरामगढ़, तो बल्लभगढ़ का शेर जिसे कहते हैं राजा नाहर सिंह, और आपको यह पता होना चाहिए बच्चों बल्लभगढ़ को दिल्ली का लोह द्वार कहा जाता है, दिल्ली का लोह द्वार आपसे पूछ सकता है, तो दिल्ली का लोह द्वार कहलाता बल्लभगढ़, वर्तमान नाम क्या बलरामगढ़, तो बल्लभगढ़ की शान बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह का जो पैलेस है, राजा नाहर सिंह का जो महल है, उसमें यह कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव जो है वो 1996 से हो रहा लगातार 1996 से हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, हरियाणा पर्यटन विभाग कत्तक का महीना में, इसलिए कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव है लगभग नवंबर में कार्तिक मास में, यह मार्शल आर्ट शिल्प और लोक कला को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, मार्शल आर्ट शिल्प और लोक कला को बढ़ावा देना बच्चों, ठीक है। शाबाश, क्लास को शेयर करते रहिए बच्चों, आगे चलते हैं। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों, आपने पढ़ी होगी किम्बरले जो चट्टान होती है वो हीरे की खान, ठीक है, हीरे जो है किम्बरलाइट चट्टान के ऊपर ही पाए जाते हैं, वो किम्बरलाइट चट्टान ही उनके ऊपर जो है वो लेकर आती है, तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई, भारतीय दंड संहिता 1862 में हुई बच्चों, यहां कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है,
1860 में इसका आगाज हुआ था। अब देखो एचएससी क्या मानती है, 1860 में इसका आगाज हुआ और 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी बच्चों आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है। अब इसका आंसर क्या देगी, वो एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पे डिपेंड है। 1860 में बच्चों क्या था, 1860 में ये शुरू हुई थी लेकिन लागू कब हुई थी, 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। अब क्या आंसर देगी वो एचएससी पे डिपेंड है। अच्छा बच्चों, भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है, भारत में किसी स्थान पर जहां पाया जाए क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है, हां नहीं, भारत उसे युगांडा को सौंपेगा। तो बच्चों तो 302 जो आईपीसी है इंडियन पेनल कोड 302 के तहत कार्यवाही हो सकती है, अगर युगांडा में हो गई हो तो फिर भारत में जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या कहता है, भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है यदि भारत में किसी स्थान पर जहां पाया जाए क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है, हां किया जा सकता है भाई। इंडियन पेनल कोड 302 के तहत, आईपीसी 302 के तहत जो है क्या हो सकता है, अगर उस पर कार्रवाई हो सकती है, अगर युगांडा में हो गई हो फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हारना चाहिए आई थिंक। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है वो आप सभी को पता होगा बच्चों, ये तो 6 अगस्त 2019 को हटाई थी ना, 6 अगस्त 2019 को 370 समाप्त करने का कानून जो है वो वापस लिया था, है ना। शाबाश मेरे शेरो, 300 पार करवाओ जल्दी 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 जल्दी, क्या कर रहे हो। ठीक है, आगे बच्चों, जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है, कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है, तो पीड़ित से संबंधित कानून, बिल्कुल सही है, आरोपी से संबंधित कानून, दोनों ही बच्चों ए और बी दोनों ही, पीड़ित से संबंधित कानून और आरोपी से संबंधित कानून दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे श्री सोली सोराब जी। कौन थे, श्री सोली सोराब जी जो है वो पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। बच्चों फटाफट 300 पार होना चाहिए। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा, शिवशंकर मेनन रहे हैं बच्चों, ठीक है, जयंत दीक्षित भी रहे हैं और वर्तमान में तो आप सभी जानते हो अजीत डोभाल तो है ही जो कि मोदी के पसंदीदा हैं, कौन नहीं रहे, तो बच्चों श्री टी एन सेशन जो हैं ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहे, शिवशंकर मेनन रहे हैं, जेएन दीक्षित रहे हैं और अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो टी एन सेशन जो हैं ये नहीं रहे बच्चों। ठीक है सर, प्लीज स्टॉप वीडियो फॉर 1 मिनट, सो लाइक दिस वीडियो, हाँ कर लो भाई, तमने तारा जी कर लाइक करो भाई, कोई बात नहीं, मैं तो 1 मिनट चाय पी लेता हूं तब तक है। तारा में दम होना चाहिए, मत कहूं बच्चों 300 पार पहुंचाओ लेकिन आप लोग पहुंचाते ही नहीं, पता नहीं क्या बात है, इतना अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए चल रहा है, करो लाइक, देखते हैं कितने ठोकते हैं लाइक। सीनू 6 रावल, गुरु जी इनकी डिजिटल पिटाई कीजिए, लाइक ना करते हैं भाई, पिटाई तक ये करेंगे को नहीं करें, हैं बदमाश हो रहे हैं, फिर ये बड़े पुलिसिये कमांडो दुर्गा शक्ति। वेरी गुड बच्चों, बधाई आप लोगों ने 302 जो है वो क्रॉस करवाए। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब मोहित जांगड़ा सर कॉन्स्टेबल बड़ा इंग्लिश हिंदी आ सकती है, आ सकती है भाई, तैयारी रखो तारी इसमारी।
अच्छा बच्चों आगे देखिए। अच्छा एक बात फिर कहता हूं बच्चों मैं आप लोगों को, एक बात और सुनिए, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन रह जाता है एक आध, तो हम उसको ना बाद में देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, और फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना वहां डाल देंगे पीडीएफ, वहां से आंसर समेत केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है, केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है बच्चों उस पे डाल देंगे पीडीएफ आंसर लगा के, तो वहां से आप पीडीएफ देख भी लेना, ठीक है। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे जो है वो पीडीएफ डाल देंगे, तो वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। और बच्चों ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई, ऑपरेशन मुस्कान आप समझते बच्चों, ऑपरेशन मुस्कान जो है ये हरियाणा पुलिस ने एक अभियान चलाया था, किसके लिए, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चला गया अभियान ऑपरेशन मुस्कान जो है ये 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2015 में। और दूसरी बात ये भी सुन लो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन के लिए भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ऑब्जेक्शन के लिए आप जो है केसी जो ऑनलाइन क्लासेज है, केसी ऑनलाइन क्लासेज उसका जो ऐप नंबर है, उस ऐप का नंबर मैं लिख देता हूं, नंबर है क्या है 94169 है ना, 94169 63333 है ना, 63333, इस पर आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्शन के लिए कोई बच्चा जाना चाहे, ठीक है, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करे, केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप का नंबर है 94169 60333, मतलब 94169 63333 पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, इस पे आपको सहायता मिल जाएगी बच्चों। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या, वल्थोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो ये थम बता दो बच्चों कौन से थे, कौन से थे बच्चों ये, अगला देखिए अपने, ये मैथ का क्वेश्चन है बच्चों, कहां सोल्व करें, तो यहां ले लेते हैं जगह इसके लिए, ठीक है, ऊपर देखिए, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा ले लिया, तो बच्चों पिता ने लिया 1/4, पिता ने कितना ले लिया 1/4, तो शेष भाग कितना बच गया, शेष केक 3/4 बचा ना, क्या कहता है, एक परिवार ने में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था, तो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बच्चों पिता ने ले लिया 1/4 भाग, तो 1/4 का तो 4 में से 1 भाग ले लिया, तो शेष केक कितना बचा 3/4, 4 में से 3 भाग, तो कहता परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, माना शेष सदस्यों की संख्या, पिता को छोड़ दो बाकी शेष सदस्यों की संख्या मान लेते हैं, शेष की संख्या हमने एक्स मान ली, पिता को छोड़ के बाकी एक्स सदस्य और हैं जिन्होंने कितना भाग केक लिया 3/4, अब ये 3/4 एक्स में बांटोगे तो प्रत्येक का भाग कितना आएगा, 3/4 को किस से डिवाइड करोगे, एक्स से, तो ये हो गया 3/4 एक्स, ठीक है। लेकिन क्या कहता है, प्रत्येक सदस्य द्वारा लिया गया हिस्सा पिता वाला कितना, उसका 3 गुना है, प्रत्येक सदस्य ने इतना लिया बच्चों 3/4 एक्स है, लेकिन पिता वाला इसका कितने गुना है, 3 गुना, तो 3/4 एक्स इसका गुना 3 किसके बराबर होगा, पिता वाले के बराबर, तो 4 से 4 कट गया, आर पार गुणा एक्स बराबर 9, एक्स बराबर क्या आया 9, तो एक्स हमने क्या माना था, शेष सदस्यों की संख्या एक्स मानी थी, तो शेष सदस्यों की संख्या कितनी आ गई 9। ये कहता परिवार के कुल सदस्य कितने हैं, एक सदस्य पिताजी भी तो है, एक सदस्य कौन है, पिताजी, तो 9+1 कितने सदस्य हैं, 10 हैं बच्चों, परिवार में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, ठीक है। मैथ में हाथ ऊंचे को नहीं रहे, परीक्षा दिया, ठीक है। कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी है,
और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मैं आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूं जो हर बच्चे को आने चाहिए हर बच्चे को, और उनमें से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मोस्टली जो मैंने ज्यादा नहीं कहता, एक दो क्लासेज के क्वेश्चन कराए हुए, उनमें से ज्यादातर आए हुए हैं। हाँ, मैथ की 60 से ऊपर वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, और यो नहीं है कोई किसी बात, क्योंकि लगातार टॉपिक वाइज आप उनको जाके देखिए तो एक बार। अच्छा बच्चे, ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, मान लिया कुल सदस्य 10 हैं, 10 है ना, अब पिता हट गया कितने रह गए 9, ऑप्शन ले लिया मैंने 10। अब पिता 1/4 भाग खा गया केक का, ठीक है, इन पर कितना बचा 3/4 भाग बचा, 3/4 को 9 से डिवाइड करो क्योंकि प्रत्येक का भाग बटे में 9, तो कितना आया 1/12, प्रत्येक को 1/12 मिला, प्रत्येक को कितना मिला 1/12 और पिता को मिला 1/4। कहता ना पिता वाला प्रत्येक वाले से 3 गुना है, तो प्रत्येक का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 1/4, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हुआ हमारा सी। आगे नेक्स्ट, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। अब बच्चों देखो ये क्या देते हैं वो इन पे डिपेंड है। अब भारी मिट्टी कह रहा है, भारी मिट्टी तो जो थानेसर में पाई जाती है ना बच्चों, उसको डाबर कहते हैं, डाबर क्या कहते हैं, डाबर, लेकिन डाबर ऑप्शन में नहीं है। भारी मिट्टी जो थानेसर में पाई जाती है वो डाबर है। वैसे तो थानेसर में दोमट मिट्टी मिलती है, दोमट भी मिलती है, और कैथड़ तो एक नाम है किसका, हमारे जिले का, नेली जो है वो बाढ़ के मैदान है, क्या है, बाढ़ के मैदान। तो हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी की बात कर रहा है बच्चों, ये दोमट की तो बात ही नहीं हो रही, तो भारी मिट्टी में डाबर जो है वो पाई जाती है, और जगाधरी में मिलती है डाकर, जगाधरी में कौन सी मिलती है, डाकर, ठीक है, और थानेसर में है डाबर। संदीप शर्मा, नेली ड्यू टू ऑप्शंस, हां देखो अब क्या बताएंगे ये, अब देखो नेली हम तब तो जाते, पहली बात तो इसने भारी मिट्टी का नाम ले रखा है, भारी मिट्टी, भारी मिट्टी वो होती बच्चों जो थोड़ी सी बारिश होती चिपचिपी वगैरह हो जाती है, उसमें हल चलना कठिन हो जाता है, तो ये डाकर डाबर ये इस तरह की भारी मिट्टी होती है। अब नेली तो बाढ़ का मैदान है, ठीक है, घग्गर द्वारा बनाया गया, दोमट तो मिट्टी अलग है, ये भारी मिट्टी का जिक्र कर रहा है। अब एचएससी क्या देती है वो उस पर डिपेंड, लेकिन या तो ये नहीं देना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, अब इनमें से कोई नहीं दे दिया तो बच्चे अब एचएससी का इंतजार कीजिए वो क्या कहती है, ठीक है। नेली तो घर के बाढ़ के मैदान है, हाँ बिल्कुल घग्गर का है, छोटा भीम घग्गर बनाता है, ठीक है। मोहित जांगड़ा प्रीवियस में भी आया था तो उसमें क्या आंसर दिया था, मोहित जांगड़ा प्रीवियस में आया था तो क्या आंसर दिया था, चलो बता देना आप मेरे को क्या। तो मैं तो ये कहता हूं बच्चों ये तो डाबर है, आगे के लिए याद कर लेना, और डाकर मिट्टी ये भी भारी है, ये जगाधरी में पाई जाती है। महमूद गजनवी ने थाड़ेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया 1014 में, 1009 और 1014 में महमूद गजनवी ने जो है वो थानेसर पर आक्रमण किया था, और यहां से चक्र स्वामी की मूर्ति जो वो ले गया था बच्चों, ठीक है। अंधकार अनुकूल समय खालिस्तान की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है, विटामिन ए की कमी वाले लोगों में, विटामिन ए की कमी से आप जानते हो बच्चों कौन सा रोग होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन, रात को कम दिखाई देता है बंदे को, ठीक है। इसके अलावा जीरोपथैल्मिया जिसको हिंदी में कहते हैं शुष्क नेत्र, नेत्र शुष्क हो जाते हैं, तो यहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा भाग शुष्क होता है नेत्र का, तो कॉर्निया, कौन सा, कॉर्निया शुष्क हो जाता है। हरियाणा के पंचकुला में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया, तो पंचकुला में आईटी पार्क जो 2008 में स्थापित किया था बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, कब, 2008 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, लाइक करो क्लास को, लाइक कोनी करेगी भी नहीं, कोनी करे भाई, ये खतरनाक बंदे हैं बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक बंदे हैं हमारे। लेकिन बच्चों फिर मैं बार बार एक ही बात आप लोगों को कहता हूं कि जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की
उनके लिए हरियाणा पुलिस रिकॉर्डेड बैच केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप पे पढ़ा है मात्र 299 रुपए में। जैसे आप खरीदोगे पूरा का पूरा बैच जो है, ना कोई इसमें कमेंट ना कुछ। और बच्चों पूरा डिटेल से आप लोगों के लिए सिर्फ कोर्स डिजाइन किया गया, अलग से बनाया गया है, वो आप ले सकते हो। और जो दुर्गा शक्ति है, कमांडो है, हरियाणा एसएससी है, सीईटी है, पटवारी है, ग्राम सी है, उनके लिए हम जल्दी जो है कृष्णा क्लासेस लाइव बैच लेके आ रही है केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। और ऑफलाइन क्लासेस में भी जो है, वो जो बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में भी बैच शुरू हो चुके कमांडो के, ऑफलाइन क्लासेस में दुर्गा शक्ति का भी स्पेशल बैच जो है वो शुरू हो चुका है बच्चों, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया बच्चों, बताना जरा बताओ। तो बच्चों 15 जून 2005 15 जून 2005 आना चाहिए इन ऑप्शन में जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, तो 10 आ जाएगा ना। चाहे तो आप ऑप्शन से कर लो बच्चों, 40 और 60 है ना बे, तो 10 साल पहले ये कितने का होता 30 का, ये 10 साल पहले कितने का होता 50 का, तो इनका अनुपात क्या होता 3:5। ऑप्शन से कर सकते हो। और बच्चों वैसे करो तो एक की उम्र 40 है, दूसरे की 60 है, कितने साल पहले दोनों की आयु 3:5 के अनुपात में थी, मान लिया x वर्ष पहले, कितने साल पहले x वर्ष पहले दोनों की उम्र जो है वो 3:5 में थी, तो इसमें से x घटाओगे तो x साल पहले 40 माइनस x का, इसमें से x घटाओगे 60 माइनस x का था, और दोनों का अनुपात कितना था 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा 200 - 5x बराबर 180 माइनस 3x, तो बच्चों 2x बराबर 20 और x की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। नेक्स्ट, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। आप सभी जानते हो बच्चों मानव रक्त जो लाल होता है, मानव ह्यूमन ब्लड जो है मानव रक्त कैसा होता है लाल, और लाल को पीला कहा इसने, लाल को क्या कहा है पीला, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा पीला होगा। मानव रक्त बच्चों स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 जो है स्वाद इसका नमकीन होता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि सिर की संख्या 48, पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां जुलाई और अगस्त में जितने पेपर हुए, अब सितंबर चल पड़ा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बार बार लगातार, इतना तो पेप्सन कीटाणुआ तो कुल था जितना ये रिपीट हुआ है। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर दो और उसमें से सिरों की संख्या घटा दो। पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर दो और उसमें से सिरों की संख्या घटा दो। सिर कितने हैं 48, पैर थे 140, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड किया, उसमें से सिरों की संख्या घटा दी, तो ऐसा करने से जो जवाब आएगा 70 - 48, यह जवाब आया 22, यह जवाब आएगा 4 पैर वाले जानवर का, किसका 4 वाले। ऐसे क्वेश्चन में एक हमेशा 4 पांव वाला जानवर होता है, एक 2 पांव वाला, यहां गाय के 4 पैर हैं और मुर्गी के 2 पैर हैं, तो जो पैरों की संख्या दे रखी उसको 2 से भाग करो, पैरों की संख्या 140 है, 2 से भाग किया 70, उसमें से सिरों की संख्या घटा दी 48, तो जवाब आया 22। 22 किसका जवाब होगा, जो 4 पांव वाले जानवर का होगा, जानवर गाय जो है 22 हो गई, यहां पे गाय कितनी होगी 22, लेकिन हमें तो मुर्गी निकालना है 2 पांव वाला, उसको कैसे निकालेंगे। अब बच्चों जितने सिर उतने ही प्राणी हैं, अरे टांग तो किसी के 4 किसी के 2 हैं, लेकिन सिर सभी के एक होता है, गाय के भी एक सिर और मुर्गी के भी एक सिर,
तो यहां सिर कितने 48, मतलब जानवर 48 हैं टोटल, और 48 में से 22 गायें हैं, टोटल कितने 48, उसमें से 22 गायें हैं, तो मुर्गियां कितनी बची 26, कितनी बची बच्चों 26, डी ऑप्शन कर लोगे? हां 26 आएगा, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल हां एलिगेशन से भी हो जाएगा सिनु रावल, बिल्कुल हो जाएगा, और द्वि जो एक रैखिक वाला समीकरण है, दो चल वाला रैखिक समीकरण, उससे भी हो जाएगा। एक सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अब यह सवाल मैं बहुत बार बताता हूं बच्चों, और देखो मैं कहता हूं वैसे मां एचएससी गलती करवाती हूं, गलती इसमें कईयों ने की होगी, ऐसी बात नहीं है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, बच्चों आप सभी जानते हो ना, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होता है, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल जो है वो एन स्क्वायर होता है। जैसे 10 विषम संख्याएं तो 10 का स्क्वायर 100, पहले 20 विषम संख्याएं तो 20 का स्क्वायर 400, 50 है तो 50 का स्क्वायर 2500, बच्चे 100 है तो 100 का स्क्वायर 10000। अब बच्चा गलती क्या करता है, इसने कहा 100 तक की विषम, 100 तक की विषम, विषम 100 नहीं है बच्चों, 100 तक में विषम 50 ही होती है, क्योंकि आधी सम आधी विषम होती है, ठीक है भाई। एक है जैसे 10 तक आप कहो, 10 तक तो 5 ही विषम है, 1, 3, 5, 7, 9, तो 100 तक लिखा हुआ है, 100 विषम का नहीं, 100 विषम का तो 10000 होता है, 100 तक विषम कितनी है 50, और 50 का स्क्वायर 2500, कितना होगा 2500 होगा बच्चों, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, 400 क्रॉस के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को 400 क्रॉस करने के लिए, और दोबारा एक बार फिर जुट जाइए अपनी आगामी तैयारी के लिए बच्चों। बार बार लगातार कहता हूं आपको यह बात, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया, तो हाल ही में हरियाणा में 72वां वन महोत्सव जो है वो मनाया गया था बच्चों जुलाई के महीने में, आपको याद होगा कब, जुलाई के महीने में जो है 72वां वन महोत्सव जो है वो हरियाणा में मनाया गया, और इस दौरान जो है अगले साल में 3 करोड़ पौधे जो है वो रोपने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा, 3 करोड़ पौधे। और वर्तमान में हमारे वन मंत्री कौन है बच्चों, हमारे वन मंत्री वही है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारे शिक्षा वही मंत्री वही है जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, हमारे पर्यटन मंत्री वही है जो हमारे कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं, यानी कि श्री कंवरपाल गुर्जर, यानी कि श्री कंवरपाल गुर्जर जो कि कहां से आते हैं, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कहां से, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों बताइए, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम क्या रख दिया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया बच्चों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है, और पिछले ये हमेशा मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को दिया जाता था, और पिछली बार जो है बच्चों आप लोगों को पता होगा 5 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें जो है हमारे हरियाणा से रानी रामपाल जो है वो हरियाणा से संबंध रखती है, रानी रामपाल को भी मिला था, विनेश फोगाट को भी मिला था बच्चों, ठीक है, और रोहित शर्मा क्रिकेटर जो है उनको दिया गया था, तो ये दोनों ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या है सम्मानित हो चुके हैं, रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी, ठीक है, इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी जो है वो भी इससे सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर भी इससे सम्मानित हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। हरियाणा के गठन के समय जिले कितने थे, तो 7 जिले थे बच्चों, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले थे, जिनमें सबसे बड़ा था हिसार, सबसे बड़ा हिसार था बच्चों, और सबसे छोटा था जींद, जिसको आप हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हो, और जींद जो है तब से लेके अब तक लगभग अपरिवर्तित है, उतना ही साहब तक, हिसार का तो बहुत विघटन हो गया, तो 7 जिले उस टाइम थे जिनमें अंबाला भी था, हिसार भी था बच्चों, करनाल भी था जिनमें, महेंद्रगढ़ भी था, रोहतक भी था, गुड़गांव भी था, और जींद भी था, ये 7 जिले उस टाइम जो है वो बनाए गए थे, और सबसे बड़ा जिला होता था हिसार,
जिसका विघटन बहुत बार हुआ है, सबसे छोटा था जींद, और जींद तब से लेके अब तक लगभग अपरिवर्तित है। ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी देखने को मिल सकता है कि हरियाणा का कौन सा जिला गठन से अब तक लगभग अपरिवर्तित, लगभग मतलब समझे भाई, थोड़े बहुत दो चार पांच दस गांव निकाल दिया अलग बात है, लगभग अपरिवर्तित है, लगभग उतना सा है। जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल जो है कहा जाता है, प्राचीन नाम जिसका जयंतीपुरी था बच्चों। एक नंबर का घटिया क्या है सीमू वर्मा, एक नंबर का घटिया है, पेपर है क्या घटिया। आगे देखिए बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान कौन है बच्चों, शक्तिकांत दास जो हैं वो वर्तमान गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो बच्चों शक्तिकांत दास वर्तमान में जो हैं वो हरियाणा के क्या हैं, आरबीआई हरियाणा के, सॉरी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके वर्तमान गवर्नर हैं श्री शक्तिदास दास। तो बच्चों एक बात फिर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 410 के लिए बहुत बधाई बच्चों, और भी बच्चों को जोड़िए। मैं फिर आपको यही बात कहना चाहता हूं बच्चों, एक तो जो भी बच्चा आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जो कांस्टेबल 29 30 31 अक्टूबर का होना होगा बच्चों, टाइम पे तैयारी में जुट जाइए, एक महीना आपके पास। और कोई ऑनलाइन करना चाहता तो कैसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें हरियाणा पुलिस का मात्र 299 रुपए में कोर्स है बच्चों, पूरा कोर्स, जिसमें 299 रुपए में क्या एक अच्छी बुक नहीं आती बच्चे, और लेकिन आपके लिए कोर्स जो है वो दिया गया है। और इसके अलावा जल्दी हरियाणा एसएससी या आपकी सीईटी, ग्राम सचिव, पटवारी, दुर्गा शक्ति कमांडो, इनके लिए स्पेशल बैच जो है और सब्जेक्ट के इंडिविजुअल बैच जो है वो जल्दी लाइव बैच बच्चों वो कृष्णा क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। और ऑफलाइन बैचेज की अगर हम बात करें, ऑफलाइन में कमांडो का स्पेशल बैच जो है शुरू हो चुका है, दुर्गा शक्ति का स्पेशल बैच जो भी अनाउंस हो गया बच्चों, और रीट के बच्चों को बधाई जिन्होंने अच्छा पेपर किया है, दूसरी शिफ्ट में करें उन्हें बधाई देंगे, एसआई का जिन्होंने पहली शिफ्ट में अच्छा किया उनको बधाई, आगामी शिफ्ट में जो करेंगे उनके लिए शुभकामनाएं। और सारे किताब बच्चों बार बार कहता हूं, कंप्यूटर सारा इसी बुक से आया है, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, हर पेपर में आया बच्चों, हर पेपर में। वैसे तो आप जानते हैं कृष्णा क्लासेज केसी पब्लिकेशन की सारी किताबें बहुत ही जबरदस्त होती हैं, हरियाणा एसएससी की नंबर वन जो परीक्षाओं के लिए नंबर वन किताबें हैं वो केसी पब्लिकेशन की किताबें हैं, चाहे वो मारा हरियाणा हो, चाहे वॉल्यूम टू हो, चाहे जीके प्लस जीएस हो, चाहे हिंदी प्लस इंग्लिश हो, और चाहे आपकी कंप्यूटर हो, इनको जरूर पढ़िए बच्चों, ठीक है। और हाँ अभी कराएंगे क्वेश्चन, इसको अभी सोल्व कराऊंगा बच्चों, एक मिनट मैं आपका, बाकी तो सारा हो गया, ठीक है। तो बच्चों एक मिनट मैं आपसे मुखातिब हूं दो मिनट के लिए, तो आगामी परीक्षाओं के लिए जुट जाइए बच्चों, चाहे वो कमांडो का बच्चा हो, चाहे दुर्गा शक्ति का हो, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, चाहे एचटेट और सीटेट के बैच भी ऑफलाइन जल्दी हम अनाउंस कर रहे हैं, ऑनलाइन में एचटेट और सीटेट का बैच है बच्चों, जो लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। अरे परीक्षा दई या सारे की लाग जाएगी, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है बच्चों, तो दो आर्द्र भूमियां जो हैं वो मान्यता प्राप्त है हरियाणा, वो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत। एक तो बच्चों भिंडावास आर्द्र भूमि, कौन सी, भिंडावास आर्द्र भूमि, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है भिंडावास आर्द्र भूमि, कहां है, झज्जर में बच्चों, कहां पे ये, झज्जर में। यहां पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, बहुत सुंदर झील है बच्चों, प्रवासी पक्षी भी आते हैं। दूसरा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर आर्द्र भूमि, सुल्तानपुर आर्द्र भूमि यह गुरुग्राम में रामसर साइट में दोनों जो है शामिल की गई है बच्चों। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है बसई आर्द्र भूमि जो है वो कहां है, बसई आर्द्र भूमि यह भी क्वेश्चन एचएससी पूछता है बच्चों, यह गुरुग्राम में ही है, बसई आर्द्र भूमि कहां है बच्चों, गुरुग्राम में है बसई आर्द्र भूमि, ठीक है। लेकिन इसको रामसर साइट जो है वो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत जो है
वो मान्यता नहीं मिली है। मान्यता हरियाणा से सिर्फ दो ही आर्द्र भूमियों को है, भिंडावास आर्द्र भूमि झज्जर जो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, और सुल्तानपुर आर्द्र भूमि गुरुग्राम। ठीक है, सुल्तानपुर आर्द्र भूमि। सीमू वर्मा तेरा कहने कोई घटिया को नहीं हो भाई, जोर लगा ले तेरा, शर्म नाम की चीज तो है कौन तेरा, है ना, किसका भेजी उड़ा तो सामना आइए कभी, हर टाइम बकवासबाजी उरे के कह दियो हमें कि मैं खाम खा जितना अच्छा लगता तेरे घर आ रहा है। ठीक है बच्चों, हमारे हर चीज जो है बच्चों वो बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए हम जी जान लगा देते हैं, और जो बकवासबाजी करता है ना उसको मैं वार्निंग करता हूं, बच्चों ध्यान रखे अपना। हाँ फिर मैं एक बार बता देता हूं बच्चों, जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत रह गया, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रह गए ना बच्चों, तो आप ना जो हमारा टेलीग्राम चैनल है केसी ऑनलाइन, केसी पब्लिकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है बच्चों, कर रहे हो यार, पहन लूं गई उर्द है। अच्छा तो बच्चों केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है, केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इस पे हम क्या है, इस पे आपको आंसर की जो है वो लगा के पेपर जो है वो डाल देंगे, केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आंसर की लगा के जो है वो पेपर जो है वो डाल दिया जाएगा बच्चों। ठीक है सर, कट ऑफ कितनी जाएगी ओलिविया ब्रो, ईप तो पहले था हमने कट ऑफ का मेरा फैट गया रहे, कमाल करो हो, मतलब कई तो पता नहीं क्यों कर है ना, अगर लत्तू कोण में खाम खा तो वो खाम खा रहे कई तो ना। अच्छा केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चों हम आंसर की लगा के पेपर डाल देंगे, वहां से आप जो है वो इसको देख सकते हैं। दूसरा हम आपको ये बात कहना चाह रहे थे कि जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन की सहायता के लिए अगर कोई बच्चा हेल्प चाहिए, किसी को लगता है ये ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो हमारा जो केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप है उसका जो नंबर है, केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप का जो व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, उस पे आप अपना जो है व्हाट्सएप नंबर है 94169603333, इस पे आपको हेल्प मिल जाएगी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोगों ने जो हमें वो दिया है, जो स्नेह जो प्रेम जो आप जुड़े रहे बच्चों, उसके लिए जो है सभी को धन्यवाद, सभी को उसके लिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है जेस सर जी, एक बार बुक का फ्रंट पेज दिखा देना, जेस फ्रंट पेज से कुछ नहीं होगा, आपके जहां से भी आप संबंध रखते हो वहां आप जो है अपने सिटी में अपने शहर में जो अच्छा बुक सेलर है उसकी बुक पे जाइए, उस पे बुक शॉप पे जाइए, वहां पूरी किताब देखिए, किताब देखकर तब खरीदिए। देखो वैसे फ्रंट पेज से कुछ नहीं होता, आप वहां मैटर देखिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको अच्छी लगेगी, आप जो है उसके बाद खरीद लीजिए। ठीक है बलजीत सैनी धन्यवाद, नंद बोलान थैंक यू सर, पैटर्न चेंज था, हाँ आकाश शर्मा थोड़ा सा चेंज था, वही तो एचएससी में क्या चेंज है, कुछ नहीं है, सारे सब्जेक्ट देने हो इसमें दे दिए सारे, किसी में कौन दें दे किसी में देते हैं। ठीक है इसीलिए कहा भाई एचसीएस तो ही बड़ी तैयारी है एचएसएससी की, एसएससी तो ही बड़ी तैयारी है एचएसएससी की, कोई सब्जेक्ट छोड़ दिए कौन एचएससी, पता नहीं क्या क्या पूछती और कहां कहां से पूछती है, तो जो एचएसएससी की तैयारी कर रहा है वो पार है हर जगह, तो एचएसएससी की बढ़िया तैयारी कीजिए। ठीक है प्रदीप तंवर तोसाम भिवानी सर, मेल कांस्टेबल एग्जाम कब होगा, मेल कांस्टेबल का आ चुका ना बच्चों 29, 30, 31 अक्टूबर, हमारे माननीय
जो एचएसएससी चेयरमैन है श्री भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने दिया तो है बयान कि 29, 30, 31 और ये टाइम पे लेगा बच्चों, बहुत ही टाइम का पाबंद बंदा है और काफी सुधार भी कर रहा है। तो बच्चों ठीक है, शाम का जो पेपर है बच्चों उसके बाद भी जुड़िएगा। आज टीम की कमी थी, हम जो सारे पेपर जो टीचर जो है किसी का रीट का पेपर, रीट का भी आज कई पेपर है बच्चों, आज एसआई का पेपर है, तो इसलिए हमें जो है वो अकेले ही जो है वो बलवंत सर के साथ मिलके सोल्व कराने पड़े। और बाकी आगे जब सारे टीचर आ जाएंगे तब दोबारा जो इनको पूरे डिटेल से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। शाम के आंसर की भी जल्दी करेंगे, पेपर जैसे ही आ जाएगा उसके तुरंत बाद जो है वो आपको शाम के आंसर की भी मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो अब जो है आप लोग तब तक खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए, आराम कर लीजिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना प्रेम इतना स्नेह देने के लिए बच्चों सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और चिंता मत कीजिए, चाहे हम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमारा हर टाइम बच्चों के लिए है बच्चों, बच्चों के लिए। आज हम जो भी हैं चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, बच्चों के कारण हैं और बच्चों के लिए हम जी जान लगा देंगे, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। टाइम अभी मैं नहीं बता सकता आपको, पेपर खत्म होने के थोड़ी देर बाद जो है। सर पुरैना स्टूडेंट का कोनी चालिया, हरियाणा पुलिस का बैच, पुरैना स्टूडेंट का चालिया कोनी बलिंदर चैल, तो यहां आप ना यहां पे कांटेक्ट कर लीजिए 9416-60-333 पे। ऑफिशियल शॉर्ट एंटरटेनमेंट सर करंट अफेयर कितना था आपकी वीडियो से, सर प्लीज टेल। करंट अफेयर बच्चों काफी था वीडियो से, कुछ एक क्वेश्चन जो वो अलग थे, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन अलग थे, बाकी मोस्टली करंट अफेयर था, बाकी हम अभी विश्लेषण कर नहीं पाए इस चीज पे, टाइम ही नहीं लगा इतना, विश्लेषण करके आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। सिनु आप बोल रहे हो मेरे ब्रदर के 80 सही हैं, आपको टाइम का पता नहीं कितना दे रखा है। अरे भाई कई है ना, कई असामाजिक तत्व तो होते हैं और उनने अपने संस्कार दिखाने होते हैं, कहीं तो दिखाएं उनको कैसे संस्कार मिले हैं, तो कहीं तो आएंगे, उनकी टेंशन मत लिया करो। जैसे उनको संस्कार मिले हैं, जैसे उनको शिक्षा मिली है, उनके गुरुओं ने उनके मां बाप ने जो सिखाया वही तो सीखेंगे वो। अरे भाई तेरे कहने तक घटिया को नहीं हो सीमू, तने बेरा कितने बाड़क लाग रहे, केसी के रिकॉर्ड है केसी का, तेरे कहने तक घटिया को नहीं हो। जो बच्चे लगे उनको पता है, ठीक है। और जो ये बच्चों दूसरों के भेजे हुए ना, मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट है कभी किसी की बुराई मत करना, ठीक है, कभी इनकी तरह नीच हरकत मत करना, ठीक है, क्योंकि उससे आपके माता पिता आपके गुरुओं के संस्कार जो झलकते हैं, इनको तो ऐसा ही करना है। हाँ काद्यान साहब मेरी भी सुन लो एक बार, हाँ काद्यान साहब बताइए क्या कह रहे हो आप। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पेपर में, अगले पेपर के बाद आप आंसर की जो है वो दोबारा से फिर आएंगे, तब तक आप लोग आराम कीजिए। सर क्या जी स्टडी ते पता लग जाता है जी के आपकी बुक सही बाहर, थैंक यू ऑफिशियल, ठीक है। तो ठीक है बच्चों फिर मिलते हैं।